हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी बलिनो 2022 के बारे में। न्यू बलिनो की बात करें तो न्यू बलिनो के अंदर कंपनी ने एस्थेटिक चेंज बहुत सारे न्यू जनरेशन बलिनो में आपको फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर, फ्रंट हुड बहुत ही ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। ग्रिल में आपको कोई भी क्रोम कंपनी नहीं देने वाली है बेसिक वेरियंट के अंदर। वहीं पर अगर आप टॉप वेरियंट परचेस करेंगे तो वहां पर क्रोम एसेंट आपको देखने को मिलेंगे कंपनी की ओर से। हेडलाइट्स में आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे। बम्पर कंपनी ने इसका रीडिज़ाइन किया है, ब्लैक आउट कंपनी ने इसमें दिया है, लाइक ग्रिल में, बम्पर में, फॉग लैम्प्स एरिया में। साथ ही में हेडलाइट में भी आपको थोड़ा सा ब्लैक आउट वाला फील मिलेगा। अगर रियर साइड की बात करें तो कंपनी ने रियर में आपको सिर्फ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया है। इस गाड़ी के अंदर ये बेसिक वेरियंट हो सकता है क्योंकि इसमें हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है लेकिन रियर डिफॉगर, रियर वाइपर नहीं है, तो इसीलिए इसको हम बेस वेरियंट मान सकते हैं। और जो टॉप वेरिएंट है उसमें हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि उसमें आपको रियर में रियर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर मिलेगा। हालांकि बेस वेरिएंट से इसमें कंपनी आपको रियर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दे रही है। टेल लाइट की बात करें तो बलिनो की टेल लाइट को थोड़ा सा कंपनी ने रीडिज़ाइन किया है क्योंकि ये डिग्गी वाले पार्ट को भी कवर अप कर रही है, मतलब कि पूरा जो फील आएगा ना बैक साइड से वो काफ़ी अच्छा आएगा। रेयर डिग्गी की बात करें तो रेयर डिग्गी भी काफ़ी अमेजिंग लग रही है देखने में। हालांकि जो बलिनो है ना, पुरानी वाली बलिनो, उससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करें डिग्गी में। मुझे पर्सनली जो नॉर्मली इसका जो चेंजेस है ना वो इसकी लाइट में नज़र आ रहे हैं और जो रेयर साइड में इसका बम्पर है उसमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो बम्पर है उसमें रिफ्लेक्टर का जो पार्ट है ना उसको सेंट्रलाइज करा है। पहले नीचे आते थे बलिनो के रिफ्लेक्टर, अब थोड़ा सा जो सेंटर में है बलिनो के रिफ्लेक्टरों को वहाँ पर कर दिया है। साथ में जो नंबर प्लेट वाला सेक्शन होता है ना, इसको भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन करा है, तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं बलिनो 2022 के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इस गाड़ी के बारे में। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। हम आपसे मिलते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।